रंग मेरे जिस्म में लहू बनकर बहते हैं, जब उतरते हैं कागज़ पर तो ज़िंदगी भर देते हैं। ये पंक्तियाँ केवल किसी चित्रकार के लिए ही सटीक नहीं उतरती, हर कलाकार के लिए सटीक उतरती हैं। क्योंकि कोई भी जो कलाकार होता है, सृजनकार होता है, उसकी रचना में उसकी सोच होती है और वो उस सोच को ही अपनी कला के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करता है और वो कला ही उसकी जान होती है। मैं आपको बता दूं कि एक कलाकार की मौत तब नहीं होती जब वो शरीर त्यागता है, एक कलाकार की मौत तब हो जाती है जब वो कला को छोड़ देता है। क्योंकि एक कला ही कलाकार को समझ पाती है और कलाकार ही कला को समझ पाता है, और जो इन दोनों के संबंधों को समझे वो बहुत ही बिरला होता है। बहुत भावुक होते हैं ये कलाकार, बड़े नाजुक होते हैं दिल इनके, इन्हें कीमत में ना तोलना, जरा सी ठसक से टूट जाते हैं, देखो करीने से संभालना। एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं जब कोई कलाकार या प्रतिभाशाली व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक, कोई लेखक, कोई कवि, कोई चित्रकार अपनी कला को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करते हुए पूरी ज़िंदगी जी लेता है, उसे अपनी कोई खैर खबर नहीं होती। इस दीन और दुनिया से बेखबर वो सिर्फ अपनी कला के प्रति समर्पित होता है। उसे अपने घर परिवार, बीवी बच्चे, इनके सुख दुख को भी नहीं सालता। सिर्फ जो कला है, जो रचना है, वो उसके रग रग में उतरी हुई होती है। और इस सृजनशीलता को जिंदा रखने के लिए उसे इस समाज की सत्ता से, राज की सत्ता से, धर्म की सत्ता से, सामाजिक शक्तियों से कैसे संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्षशीलता को जीते हुए वो किस तरीके से अपने सृजन को जिंदा रखता है, इस सब की जीती जागती दास्तान है ये हानुष नाटक, जो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ हानुष नाटक की पृष्ठभूमि, उसका संक्षिप्त परिचय, उसके पात्रों से आपका परिचय करवा चुकी हूँ, शब्दार्थ आपको बता चुकी हूँ और इस हानुष नाटक का पूरा जो संक्षिप्त सारांश है वो सारांश आपको अंकवार बता चुकी हूँ। आशा आपको वो समझ में आया होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में हानुष नाटक के जो रचनाकार हैं भीष्म साहनी, उनका साहित्यिक परिचय दूंगी और उनके साहित्यिक परिचय के साथ साथ हानुष नाटक की मूल संवेदना और वर्तमान समय में इस नाटक की प्रासंगिकता, इस पर विचार करूंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं भीष्म साहनी का थोड़ा सा साहित्यिक परिचय। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परम्परा के अग्रणी लेखक माने जाते हैं। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक हैं। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों के सदैव हिमायती रहे, ये उनकी रचनाओं से, उनके साहित्य से हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। वो वामपंथी विचारधारा से जुड़े होने के साथ साथ मानवीय मूल्यों को उन्होंने कभी भी अपनी आँखों से ओझल नहीं होने दिया। आज की आपाधपी और ऊटापटक के युग में भी भीष्म साहनी का व्यक्तित्व हमें बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यद्यपि वे अपनी रचनाओं के लिए, अपने साहित्य के लिए हिंदी साहित्य में सदा अमर रहेंगे और स्मरण किए जाएंगे, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए वो चिरस्मरणीय हैं, हमेशा याद किए जाएंगे। भीष्म साहनी की मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म इंडस्ट्री के बलराज साहनी हैं, उनके छोटे भाई हैं और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित भारत था उस समय इनका वहाँ जन्म हुआ था। इन्होंने बचपन से ही काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी बेरोजगारी को झेला, व्यवसाय भी किए लेकिन वहाँ सफल नहीं हो पाए और अंत में ये दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, वहाँ इन्होंने अपनी सेवाएँ दी।
जैसे मैंने आपको बताया कि सृजनशीलता, रचना और साहित्य इनकी रग रग में बसा हुआ था, जो इन्होंने अपनी कथा के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से हमारे सामने रखा। मतलब भीष्म साहनी कथाकार और उपन्यासकार पहले थे, नाटक के रूप में इनकी जो प्रतिभा है बाद में निखर कर आई। इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं, भाग्य रेखा पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, शोभा यात्रा, निशाचर, मेरी प्रिय कहानियाँ, अहम ब्रह्मास्मि, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। चीफ की दावत आप कभी ज़रूर पढ़ के देखिए। जब मैं पढ़ा करती थी तो मेरे कोर्स में थी चीफ की दावत, और उसी समय इस कहानी ने मुझे इतना चो लिया था कि मुझे भीष्म साहनी को पढ़ने की और ललक जाग उठी। मतलब चीफ की दावत में जो हमारे समाज में वृद्धों की जो उपेक्षा हो रही है, उस चीज़ को, उस संवेदना को लेखक ने छुआ है और हमारे सामने रखा है। और आज की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी की जो स्वार्थ पढ़ता है, उस स्वार्थपरता की परतें खोलकर हमारे सामने रखी हैं। उनके उपन्यास झरोके, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की नारी, कुंती, नीलू नीलिमा, नीलूफर, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे। और नाटक तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, इन्होंने 6 नाटक लिखे कुल मिला के, कबीरा कड़ा बाजार में, माधवी, गुलेल का। लेकिन इनका जो सबसे पहला अनुस जिसने इनकी रचना धर्मता को हमारे सामने प्रकट किया, भीष्म साहनी को उनकी जो तमस नामक कृति है उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस पर फिल्म भी बनाई गई और साथ ही दूरदर्शन ने इस पर धारावाहिक भी बनाया। बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये अपने समय में। इन्हें शिरोमणि लेखन सम्मान पंजाब सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इनको लोटस पुरस्कार भी मिला 1970 में, जो एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन की ओर से दिया गया। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी 1983 में मिला, और 1998 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया। 1999 में इनको शलाका का सम्मान मिला। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो भीष्म साहनी है वो हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य रचनाकार, एक मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो हमेशा हिंदी साहित्य में अपनी संवेदनाओं के लिए, अपनी मानवीय मूल्यों के लिए जाने जाते रहे। आज इस साहित्यिक परिचय के साथ साथ मैं आपको हानुष जो नाटक है, उस नाटक की मूल संवेदना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक बात और बता दूँ कि यदि हानुष की मूल संवेदना को आप समझ जाते हैं तो फिर ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने हानुष नाटक की जो मूल संवेदना है, उसके जो मुख्य बिंदु हैं, उनको बिंदुओं में कन्वर्ट किया है, और आपके सामने वो मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। यदि आप हानुष संवेदना की इस आत्मा में उतर गए तो फिर हानुष का, चाहे वो उद्देश्य हो, चाहे समीक्षा हो, चाहे सारांश हो, और चाहे हानुष को पढ़कर समझने की बात हो, आप बहुत आसानी से हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो हम देखते हैं हानुष की मूल संवेदना। मूल संवेदना में जो पहला बिंदु हमारे सामने आता है वो आता है सृजनात्मकता का प्रश्न। हानुष नाटक में सृजनात्मकता के प्रश्न को भीष्म साहनी ने हमारे सामने उठाया है। मतलब सृजनात्मकता का जो संकट है, इसी विषय पर ये पूरा नाटक केंद्रित है। सृजनात्मकता का प्रश्न किसी भी कलाकार की सृजन शक्ति या उसकी निजी मौलिक प्रतिभा से संबंधित होता है। वह चाहे चित्रकार हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो लेखक हो, और चाहे वो फिर वो वैज्ञानिक हो। राजसत्ता, समाज सत्ता, धार्मिक सत्ता के बीच जूझता हुआ कलाकार और उसकी सृजनात्मकता का जो वास्तविक संकट है, जब वो असहनीय हो जाता है, तो किस तरीके से उसकी जो उसका जो दुख है, जो उसका कष्ट है, जो उसकी पीड़ा है, उस पीड़ा को भीष्म साहनी ने संकेत करते हुए इस हानुष नाटक में हानुष के एक मित्र हैं एमिल के कथन द्वारा संकेत किया है कि जो लोग कोई नया काम करेंगे उन्हें तरह तरह की जोखिमें उठानी ही पड़ेंगी। हमने देखा है ना कि हानुष नाटक में हानुष ने नया काम किया, उसने घड़ी बनाई, तो उसको जोखिम उठानी पड़ी। क्या जोखिम उठानी पड़ी? कि राजा ने उसको अंधा कर दिया। लेखक का मानना है कि किसी भी तरह की सृजनात्मकता किसी के आदेश की मोहताज नहीं होती है, और ना ही कोई किसी से कहकर सृजनशीलता के प्रति कोई बेचैनी
या सृजन क्षमता या शक्ति को पैदा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये तो एक जन्मजात, एक मतलब एक अंतर आत्मा से निकली हुई एक क्षमता है, एक प्रतिभा है। हानुष नाटक में हानुष से महाराज का ये कथन कि हानुष ने घड़ी बनाने के लिए उनकी इजाज़त क्यों नहीं ली, किसी भी कलाकार से किया गया कितना बेतुका प्रश्न है। ये समझाना इस नाटक का मूल उद्देश्य है कि सृजनशीलता सहज एहसास की चीज़ है, इसे किसी शासन सत्ता के द्वारा या किसी सत्ता की कैद में पैदा नहीं किया जा सकता। ये तो स्वतः स्फूर्त है, और उस कलाकार की सृजनशीलता को किस तरीके से बचाकर रखा जाए, कैसे उसको समाज के हित में प्रयुक्त किया जाए, और एक कलाकार की जो सृजनशीलता है उसकी संघर्षशीलता को प्रकट करना इस नाटक की मूल संवेदना है। साथ ही हम देख रहे हैं कि इस नाटक में राजसत्ता, समाज सत्ता और धार्मिक सत्ता के गठजोड़ में जो ये प्रतिभाशाली कलाकार है, जो ये आम आदमी है, जो इस गठजोड़ में पिस जाता है, इनके स्वार्थ में उसकी प्रतिभा का हनन होता है, उसकी कला नष्ट हो जाती है, उस कलाकार की, उस आम आदमी की व्यथा को व्यक्त करना भी इस नाटक का मूल संवेदना है। नाटक के माध्यम से भीष्म साहनी ने राजसत्ता, सामाजिक सत्ता और धार्मिक सत्ता के गठजोड़ पर ठीक ही टिप्पणी की है। जब नगर पालिका के हॉल में सारे व्यापारी आपस में बात कर रहे हैं तो जॉन से उन्होंने कहलवाया है कि ठीक है और बादशाह सलामत हमें कभी जूता दिखाएं, कभी गिरजे वाले को जूता दिखाएं। जॉन ठीक कहता है, बादशाह इंसाफ को नहीं ताकत को देखता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो राजनीति है, जो राजनीति की जो दांपेच हैं, उनको हमारे सामने रखा है। घड़ी बनाने में जो हनुष ने जो घड़ी बनाई है उसमें राज्य की दो संस्थाओं ने आर्थिक मदद दी, जिसमें एक तो गिरजा चर्च और एक दूसरी नगरपालिका शामिल है। और ऐसे करने में मतलब ये आर्थिक सहायता उन्होंने कोई समाज हित में या कलाकार के कला के विकास में के कारण नहीं दी है, ऐसा करने के पीछे उन दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं। स्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति के कारण ही हमेशा मानवीय संवेदनाओं का हनन होता है, और वो ही इन दोनों ने किया, जिसकी वजह से दोनों अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि करके और घड़ी को अपने यहाँ लगाना चाहते हैं। नगर पालिका के लोग व्यापारी लोग हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है वो पूंजीवादी है, वो घड़ी को बेचकर फायदा कमाना चाहते हैं, साथ ही नगर पालिका पर घड़ी को लगाकर उसे व्यापार का केंद्र बनाना चाहते हैं, जिससे उनका लाभ बढ़े, उनका व्यापार बढ़े। दूसरी ओर गिरजा के जो लोग हैं, गिरजा करके जो चर्च के जो लोग हैं, वो घड़ी को अपनी यहाँ लगाकर अपने धार्मिक सत्ता का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, यद्यपि वे घड़ी के आविष्कार से खुश नहीं हैं, क्योंकि वो घड़ी के आविष्कार को, उसके निर्माण को ईश्वरीय शक्ति का उल्लंघन मानते हैं। वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो अंधविश्वासों में डूबे रहें और उनकी धार्मिक सत्ता चलती रहे। तो कलाकार हनुष की घड़ी पर राजसत्ता, समाज सत्ता, धार्मिक सत्ता के बीच वो जो अपना अपना अधिकार दिखा रहे हैं, और अपने अपने मतलब कलाकार की कला का कोई मोल नहीं है, सब उस कला को अपने स्वार्थ में उपयोग में लेना चाह रहे हैं, इस चीज़ को बताना हानुष नाटक की संवेदना का एक अनन्य हिस्सा है। नीति को समझाते हुए अमिल कहता भी है कि बादशाह सलामत ने नगर पालिका की मांगे भी मंजूर कर ली और उसे दत्ता भी बता दिया। कैसे दत्ता बता दिया? क्या हानुष को अंधा करवा दिया, और उधर हानुष को अंधा बनाकर उन्होंने चर्च वालों को, गिरजाघर वालों को खुश भी कर दिया कि देखिए मैंने उसको अंधा कर दिया। तो इस तरीके से जो राजनीतिक दांपेच है, जो कूटनीतिकता है, उसको हमारे सामने रखना, और कला उसके सामने कैसे असहाय बन के रह जाती है, कला का कैसे हनन होता है, इस सबको दिखाना इस नाटक की मूल संवेदना है। साथ ही लेखक ने इस नाटक के माध्यम से हमको जीवन जीने की कला का संदेश दिया है और मानवीय संवेदनाओं को जगाने की कोशिश की है। नाटक में विभिन्न पात्रों के माध्यम से जीवन की सच्चाई, जैसे एमिल के माध्यम से, पादरी के माध्यम से, और जब नगर पालिका के लोग आपस में बात कर रहे हैं उसके माध्यम से, जो जीवन की यथार्थ सच्चाइयां हैं, जो कटु सत्य हैं, वो हमारे सामने रखे हैं। मानवीय संवेदना और जीवन जीने की कला के साथ साथ मानव जीवन में चीज़ों के महत्व पर, भौतिकता के महत्व पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रकाश डाला है लेखक ने, और संसार की नश्वरता, इंसान के अंदर जो अहम है
उसको भी हमारे सामने रखा है पादरी के माध्यम से, जो हानुष के बड़े भाई हैं। पादरी कहते हैं कि इंसान अपने काम का बहुत ऊंचा मूल्य आता फिरता है। कहाँ गए रोम के महल और किले? जब वे बनाए गए थे तो इंसान समझता था कि उसने दुनिया बदल दी है। तो इस तरीके से उन्होंने जो इंसान का अहम है, जो अहंकार है, उस अहंकार को रेखांकित किया है। एक प्रसंग और आता है जब हानुष का बड़ा भाई कात्या को पैसे की अहमियत और उसको जीवन में कहाँ तक महत्व और कितना महत्व दिया जाना चाहिए ये समझाते हैं। तो वो कहते हैं जब कात्या अपने अभावों से बहुत दुखी हो रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम इतने दुखी हैं, तो पादरी कात्या को समझाते हैं कि पैसे वाले कौन से सुखी हैं कात्या, अगर पैसे से ही सुख मिलता तो राजा महाराजा जैसे सुखी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होते। तो इस तरीके से इस नाटक में लेखक ने हमारे सामने मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ जीवन जीने की कला को भी बताया है। उन्होंने पादरी के माध्यम से एक चीज़ और रखी है कि हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं, हमारे नए नए आकांक्षाएँ होती हैं, हमारी इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं, हमारी वासनाएँ बढ़ती जाती हैं और उस चक्कर में हम बड़े बेचैनी का जीवन जीते हैं। तो पादरी के माध्यम से उन्होंने कहलवाया है कि मैं अपनी सच्चाई को समझता हूँ कि मैं पादरी हूँ, ना इससे कुछ कम हूँ ना इससे कुछ ज़्यादा हूँ, और जब मैं ये चीज़ सोच लेता हूँ तो भविष्य की आशंकाएँ मेरे मन में मुझे दुखी नहीं कर पाती हैं। तो ये कितना बड़ा संदेश है जो कि भीष्म साहनी ने इस नाटक के माध्यम से हमारे सामने रखा है। इसके अलावा उन्होंने इस नाटक में हमारे सामने राजसत्ता की जो संवेदनहीनता है, उस संवेदनहीनता को, उसकी कटुता को, उसकी हृदयहीनता को हमारे सामने रखा है कि राजसत्ता कभी किसी की नहीं होती, वो सिर्फ अपने स्वार्थ में रहती है, उसको अपनी सीट बनाए रखनी है और इसके लिए वो अपने आस्थाएं, अपने विश्वासों को बदलती रहती है और लोगों को उल्लू बनाती रहती है। जैसे राजा कभी सामंत को गले लगाता है, कभी व्यापारियों को गले लगाता है, कभी चर्च को गले लगाता है और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किस तरीके से कभी किसी को दत्ता बता देता है, कभी किसी को महत्व दे देता है। मतलब नाटक में राजतंत्र की मानवीय संवेदनहीनता को उजागर किया है, क्योंकि ये नाटक मध्यकालीन युग का है और उस समय राजसत्ता थी, तो राजसत्ता की जो मानवीय संवेदनहीनता है उसको उजागर किया है। मतलब प्रजा बालक जो राजा है वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किस तरीके से मानवीय संवेदनाओं को कुचलने से बाज नहीं आता है। नाटक के तीसरे अंक में हम देख रहे हैं कि सृजनशीलता के प्रश्न और राजसत्ता का आम जन पर होने वाले अत्याचार को बड़ी सहजता से कात्या ने स्वीकार कर लिया है और वो कह रही है कि हम गरीब लोग बादशाहों से टक्कर नहीं ले सकते, हमारी बिसात ही क्या है, क्योंकि वो स्वाद को जान रही है कि जो राजा है उससे हम किसी तरीके से भी लड़ नहीं सकते, वही उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं और हम उसकी प्रजा हैं, वो कैसे भी आदेश दे सकता है, कैसे भी हमको सजा दे सकता है, कैसे भी आज्ञा देकर हमें उसका पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो इसे हृदयहीनता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही इस नाटक में लेखक ने रूढ़िवादी मान्यताओं पर व्यंग किया है। मतलब नाटक में पात्रों, विभिन्न पात्रों के माध्यम से, जिसमें विशेषकर एमिल आएगा, हानुष आएगा, उसके माध्यम से जीवन मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने के साथ साथ जो रूढ़िवादी मान्यता है उस पर व्यंग करने से भी भीष्म साहनी बिल्कुल नहीं चूके हैं। नए आविष्कारों का विरोध चर्च के माध्यम से करवाया है कि जो चर्च के लोग हैं वो किस तरीके से नए आविष्कारों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यदि नए आविष्कार हो जाएंगे, नई खोज और शोध यदि सामने आ जाएंगे, लोगों के दिमाग खुलने लगेंगे, विवेक जाग पड़ेगा, तो फिर उनकी धार्मिक सत्ता का वर्चस्व कैसे स्थापित होगा, किस तरीके से वो लोगों को उल्लू बनाकर और अपना स्वार्थ साधेंगे। एमिल जब बात कर रहा है हानुष और कात्या से, तो इस तरीके से वो चर्च की जो अंदरूनी जो राजनीति है, उनकी जो स्वार्थ पड़ता है, उनका जो पोंगापंतीपन है, जो उनका आडंबर है, उस आडंबर पर वो प्रश्न चिन्ह लगाता है कि किस तरीके से ये जो पादरी हैं ये सबके सामने धार्मिक नेता बनते हैं लेकिन अंदर से ये कितने भ्रष्ट हैं। जब हानुष के बड़े भाई पादरी मन की स्थिरता की बात करते हुए हानुष को समझाते हैं कि हानुष तुम अपने मन को स्थिर रखो, तो उस पर भी व्यंग करता हुआ हानुष कहता है कि आप स्थिरता चाहते हैं, पर स्थिरता तो भाई पोखर के पानी में होती है और तो मैंने कहीं स्थिरता नहीं देखी है। मतलब वो खुद पादरी पर व्यंग कर रहे हैं कि स्थिरता तो मैंने तुम्हारे अंदर भी नहीं देखी, तुम भी तो लाट पादरी बनने के लिए व्याकुल हुए जा रहे थे और तुम भी तो चर्च की जो सत्ता है उसकी जो मतलब उसकी जो भ्रष्टाचार है उसके शिकार हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी तो ये लालसा है। तो ये सब चीज़ें बताना भी इस नाटक की
मूल संवेदना में शामिल है। साथ ही विष्णु साहनी इस नाटक के माध्यम से हमको कलाकार की जो उदार प्रवृत्ति है, उसकी जो विश्वव्यापी दृष्टि है, उस पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। किसी भी कलाकार की निगाह अपने लोगों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि वो संपूर्ण विश्व के स्वप्न को लेकर ही आगे बढ़ती है। हानुष से कहलवाया है विष्णु साहनी ने, जब कात्या बात कर रही है तो वह कात्या से कहते हैं कि और फिर मैंने अपने लिए ये घड़ी तो नहीं बनाई, ये तो सबकी चीज थी। मतलब एक बार यदि वह चीज बन गई तो फिर सबकी हो गई, फिर वो मेरी कहाँ रह गई। तो एक कलाकार अपनी कला में इतना डूब जाता है, हानुष के माध्यम से लेखक ने बताया है कि उसे अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं रहती, इवन देन उसे अपनी भी परवाह नहीं होती कि क्या खाना है क्या पीना है, वो दीन दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाता है। लोहार ने कहा भी है कि हानुष अब ना दीन का रहा ना दुनिया का रहा है। कलाकार का यही जो जुनून है उसे समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग कर देता है और कला के प्रति उसके अंदर एक समर्पण पैदा होता है। हानुष का जुनून भी ऐसा ही है और उसी की तरफ इशारा करते हुए कात्या उसे स्वार्थी व्यक्ति तक की संज्ञा दे देती है और उसे चिढ़ने लगती है, उस पर गुस्सा करने लगती है। तो यहाँ कलाकार की जो उदार, और हानुष को उससे कोई शिकायत नहीं है, मतलब कात्या उससे इतनी नाराज है, उससे हानुष को कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि हानुष कला के प्रति समर्पित है। तो कलाकार की जो एक उदार प्रवृत्ति है, जो विश्वव्यापी दृष्टि है कि वो कला केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस समाज के लिए, इस मानवता के हित के लिए वो अपनी कला को समर्पित कर देता है। या डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, वो पूरी जिंदगी दे देते हैं कि इस समाज का कुछ भला हो, आने वाली जो मानवता है वो पीड़ित ना हो। इस दृष्टिकोण उन्होंने हमारे सामने इस नाटक के माध्यम से रखा है। उन्होंने यहाँ हमें कलाकार की सृजनशीलता और उसकी सृजनशीलता की इस राजसत्ता, धार्मिक सत्ता, सामाजिक सत्ताओं से जो संघर्षशीलता है, उस संघर्षशीलता को प्रस्तुत करना ही इस नाटक की मूल संवेदना है, जो कि मैंने आपको विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझाई। आइए देखते हैं इस हानुष जो नाटक है इसकी प्रासंगिकता पर बात करते हैं। कोई भी रचना होती है, उस रचना का महत्व उसकी प्रासंगिकता से आंका जाता है कि वो कालजयी है या नहीं, या जो वो जब लिखा गया था उसका सत्य उसी के साथ ही चला गया। लेकिन जब हम हानुष नाटक को पढ़ते हैं तो वह हानुष नाटक हमको ऐसा लगता है जैसे आज भी हानुष जगह जगह बिखरे पड़े हैं। आज भी हमको कलाकारों में, वैज्ञानिकों में, डॉक्टरों में हानुष दिखाई देता है। आज भी हम देखते हैं कि कलाकार और वैज्ञानिक और प्रतिभाशाली जो लोग हैं वो किस तरीके से राजसत्ता के षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं, किस तरीके से धार्मिक सत्ता के सामने मजबूर होकर रह जाते हैं, कैसे सामाजिक शक्तियों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। डॉक्टर ब्रजराज किशोर कहते हैं कि हानुष की कला एक शाश्वत प्रश्न, अभिव्यक्ति और सृजन स्वतंत्र है और उसका दमनकारी व्यवस्था में जो परस्पर टकराहट को उसको उजागर करने का माध्यम मात्र है। मतलब युगों युगों से यही होता रहा है कि शिल्पी, कलाकार और जो सत्यान्वेषी लोग हैं उनको संघर्ष करना पड़ा है। और ब्रजराज किशोर कहते हैं कि हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं, सुकरात का, किस तरीके से जहर का प्याला पी के सुकरात को अपनी जान देनी पड़ी, धार्मिक सत्ता के शिकार हो गए, धार्मिक सत्ता के षड्यंत्र के शिकार हो गए सुकरात। ऐसे गैलीलियो, उनके आविष्कारों को स्वीकार नहीं किया गया और उनको मतलब कि बताया गया कि वो तो कोई जिंद है, कोई राक्षस है, कोई दानवी वो व्यक्ति हैं जो कि इस तरीके के आविष्कार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के आविष्कार होते ही चर्च की पोल खुलकर सबके सामने आ जाती है। इस तरह हार का व्यक्तिगत जीवन सत्य सभी युगों और सभी कलाकारों का जीवन सत्य बन जाता है, जो हानुष नाटक में हमारे सामने भीष्म साहनी ने प्रकट किया है। नाटक का जो कथानक है वो हमें आज भी उतना ही प्रासंगिक दिखाई देता है जितना कि मध्यकाल में था। हानुष के माध्यम से भीष्म साहनी एक और कलाकार की जो सृजन की उसकी अदम्य अकुलाहट है, उसकी जो निरीहता है, उसको उजागर किया है। तो दूसरी तरफ उन्होंने धर्म और सत्ता के गठबंधन के साथ सामाजिक शक्तियों के संघर्ष, जो सामाजिक शक्तियों से जो संघर्ष कर रहा है जो कलाकार, उसको उन्होंने मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। कलाकार के तनावों का अंकन हानुष की एक उपलब्धि है जो आज भी उतने ही सच हैं जितने शताब्दियों पहले थे। अभी हाल ही में रॉकेट भी मूवी आपने भी देखी होगी, तो आपने नहीं देखी होगी तो अवश्य देखिए, और आप देखिए कि किस तरीके से जो डॉक्टर नामवी हैं उनकी जो देश के प्रति जुनून है कि हम अपने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में
बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, उन्होंने रॉकेटरी साइंस में जो उन्होंने आविष्कार किए किस तरीके से उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं। इसकी प्रासंगिकता को बताने के लिए लेखक ने खुद अपने जीवन के एक दो उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। वो कहते हैं कि जो हानुष का जो मंचन हुआ था, हानुष का मंचन 1977 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, और अभियान नाम की एक संस्था थी और राजेंद्र नाथ इसके निर्देशक थे और ज़बरदस्त सफल रहा था ये नाटक। तो जब इसका मंचन हुआ 1977 में, तो हम सबको मालूम है कि 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी थी और इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी, प्रेस पर ज़बरदस्त सेंसरशिप लगी हुई थी, यानी कि एक तरीके से कलाकारों को और जो कहना चाहिए प्रतिभाशाली लोग हैं उनके विचारों पर सेंसरशिप लग रही थी, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। तो ऐसे हालातों में जब ये नाटक का मंचन हुआ तो विश्व सहनी कहते हैं कि नाटक एकदम उस समय के लिए बहुत मौजूद था, अर्थात बहुत ही उपयुक्त था। मतलब लोगों ने जब ये नाटक देखा तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस नाटक को देखते देखते उस इमरजेंसी से जोड़ दिया कि किस तरीके से राजसत्ता आज भी हमारे विचारों पर, हमारी अभिव्यक्ति पर कैसे रोक लगा रही है और राजसत्ता कैसे मनमानी कर रही है और कैसे तानाशाही स्थापित कर रही है। लेकिन कहते हैं कि उस समय अमृता प्रीतम का टेलीफोन उनके पास आया और उन्होंने नाटक पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुमने इमरजेंसी पर खूब चोट की, मुबारक हो, मतलब इस नाटक के माध्यम से तुमने इमरजेंसी पर व्यंग्य किया है। लेखक कहता है कि ऐसा तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था और ये नाटक की रूपरेखा तो मेरे दिमाग में वर्षों से चली आ रही थी। जब निर्मल वर्मा जी से मिलने के लिए प्राग गया था, चेकोस्लोवाकिया किया गया था, तो उन्होंने जो घटना बताई थी उसी घटना की जो कुछ रेशे थे वो मेरे मन में काफ़ी उमड़ घुमड़ रहे थे और उसी रचना की जो तंतु हैं उन्होंने इस नाटक का रूप धारण किया। लेकिन इसकी प्रासंगिकता है कि जब ये नाटक मंचित हुआ तो लोगों ने इसको इमरजेंसी से जोड़ लिया, इवन देन अमृता प्रीतम ने भी इसको इमरजेंसी से जोड़ लिया। लेकिन कहते हैं कि हाँ, इसमें संदेह नहीं कि निरंकुश सत्ताधारियों के रहते हर युग में, हर समाज में हानुष जैसे फनकारों की, कलाकारों के लिए हमेशा इमरजेंसी बनी रहती है, क्योंकि वो सत्ता की गुलामी करते रहें। यदि सत्ता की गुलामी करते रहें, सत्ता के गीत गाते रहें, सत्ता की प्रशंसा करते रहें तो ठीक, और नहीं तो फिर हाशिए पे खड़े कर दिए जाते हैं और वे अपनी निष्ठा और आस्था के लिए यातना भोगते हैं, उनकी यही नियति होती है। जबकि जो सच्चा कलाकार होता है वो इस तरीके से गुलामी या बंधनों में नहीं रह पाता। मध्यकाल में भी ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमको मिल जाएंगे, जब राजतंत्र में कलाकार की कलाकारी पर केवल राजा का ही अधिकार होता था और राजा अपने अनुसार अपनी शक्ति और शान को बनाए रखने के लिए कलाकार की प्रतिभा को सम्मानित करता था अपने हिसाब से, और कभी कभी सम्मानित करने के बजाय वो उसको पूरी तरीके से नष्ट भी कर देता था जब उसके अहम पर चोट पहुंचती थी, जब उसे लगता था कि मेरी प्रतिष्ठा और मेरी जो शान है वो इससे कहीं कुंठित हो सकती है या उस पर कोई आँच हो सकती है। मतलब कलाकार की कला और उसकी सृजन शक्ति पर वो अपना अधिकार चाहता था, अपने मालिकी चाहता था, जिससे समाज में उसी का ही हमेशा वर्चस्व बना रहे। ऐसी स्थिति में शक्ति का प्रतीक जो राजा है वो क्या करता है, कलाकार के जीवन यापन का पूरा इंतजाम करके अपनी महानता को दिखाना चाहता है कि देखो मैंने इनके, जैसे कि हानुष में हमने देखा है कि हानुष को मतलब सरकार की तरफ से वजीफा दिया गया और उसे दरबारी कवि बना लिया। लेकिन एक कलाकार की जो कारीगरी है, उसकी जो अपनी प्रतिभा है, उसका जो अपना हुनर है जिससे उसे अपनी ज़िंदगी में अपार खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, उस प्रतिभा को और उस जुनून का क्या हो, क्योंकि राजा तो उस कला का महत्व कला की दृष्टि से देखता नहीं, वो तो अपनी स्वार्थपरता की दृष्टि से देख रहा है। उसे जो सराहना मिलनी चाहिए वो इन स्वार्थी लोगों के कारण ना तो सराहना मिल पाती है, बल्कि उनके प्रतिभा को और संघर्ष करना पड़ता है और ये उनकी जो प्रतिभा होती है, उनकी जो कला होती है, वो ऐसे स्वार्थी लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कई फिल्मों का उदाहरण देके बताया कि किस तरीके से राजसत्ता, धार्मिक सत्ता, सामाजिक शक्तियाँ इन कलाकारों को केवल अपने मतलब के लिए ही यूज़ करना चाहती हैं। मुझे यहाँ जगह जगह बार बार दुष्यंत कवि भी याद आ रहे हैं कि दुष्यंत कवि भी ने भी व्यंग्य किया है कि जो राजसत्ता है वो किस तरीके से कवियों को केवल इस रूप में चाहती है कि वो केवल हमारा ही गुणगान करते रहें। रंजित देसाई का उपन्यास, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, राजा रवि वर्मा पर आधारित एक जो फिल्म है रंगरसिया, उसका जो नायक है राजा रवि वर्मा, वो चित्रकारी के क्षेत्र में उसका अनोखा योगदान है।
उसने सबसे पहले हमारे हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए, और उसके लिए उन्होंने हमारे सारे पुराणों को, हमारे सारे जो धार्मिक ग्रंथ थे उनका उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि उस राजा को, जिसकी कलाकारी से प्रसन्न होकर केरल के राजा ने उनको राजा की उपाधि दी, उस व्यक्ति को समाज की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं और जो कहना चाहिए संकुचित जो उनकी संस्कृति है, उसके साथ साथ जो गंदी राजनीति फैलाने वाले जो लोग हैं उनके हाथों किस तरीके से वो पीड़ित हुए और किस तरीके से अपमानित हुए। मतलब फिल्म ही ऐसे दिखाई गई है कि उनकी कोई एक चित्र है वो नीलाम हो रहा है और उसकी अश्लीलता पे प्रश्न उठाया जा रहा है, धार्मिक सत्ता उसका मजाक उड़ा रही है। इसी तरीके से इसी प्रासंगिकता की बात बता रही हूँ मैं कि किस तरीके से 1914 में भी जो ये रंग रसिया मूवी बनी उसमें भी हमें हानुष एकदम साकार होता हुआ दिखाई दिया। नाटककार मोहन राकेश का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आप उसको पढ़िए। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके सामने हानुष उतर कर आ जाता है, क्योंकि उसका जो नायक है कालिदास, उसकी सृजन शक्ति और स्वयं के संघर्ष पर सृजनात्मकता का जो संकट आया है उसका सहज चित्रण मोहन राकेश ने इस नाटक में हमारे सामने किया है। और जिस तरीके से कात्या हानुष को टोकती है, उस पर गुस्सा करती है कि तुम घर का ध्यान नहीं रखते और कला अपनी घड़ी में ही गुस्से रहते हो, इसी तरीके से कालिदास की जो अंबिका है वो भी कालिदास को हमेशा कूकती रहती है, टोकती रहती है। इसी प्रकार एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म की बात की थी मैंने पिछली वीडियो में, एक डॉक्टर की मौत। एक डॉक्टर की मौत ये भी सच्ची घटना पर आधारित है। ये जो डॉक्टर है इसने IVF पे इतनी बड़ी रिसर्च कर ली थी, मैंने बताया था कि जो कि विदेशों में नहीं हुई थी, लेकिन जब इन्होंने कर ली तो वहाँ की किरकिरी बन गई। इस मूवी में इस नायक को डॉक्टर दीपांकर राय के नाम से अभिनीत मतलब हमारे सामने रखा है, पंकज कपूर ने इस रोल को निभाया है। वो शोध कर रहे हैं और शोध करते करते 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कुष्ठ रोग का एक टीका खोज निकाला है, और उसके कारण उनकी चारों तरफ बड़ी धूम मच गई है। और वो बड़ा जूनियर डॉक्टर है, लेकिन जो सीनियर है वो उनकी इस खोज से तिल मिला गए, ईर्ष्या से भर गए। और ये डॉक्टर है ये अपनी इस खोज के सामने, इस खुशी के कारण अपनी सारी मेहनत सारी ऊब को भूल जाता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर भी उसकी पत्नी को बड़ा प्रताड़ित करती है कि तुम घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, लेकिन आज उसकी पत्नी भी उसको महिमा मंडित कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मूवी में भी हम यही देखते हैं कि जो डॉक्टर दीपांकर राय है उनका जो शोध कार्य है उसका बड़ा मजाक बनाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये शोध कार्य किसकी इच्छा, किसके आदेश से किया, किसने आदेश दिया कि आपको ये शोध कार्य करना है, और उनके शोध कार्य को उनकी छोटी सी लैब में ही समाप्त करने की राजनीति शुरू हो जाती है। हानुष की तरह डॉक्टर दीपांकर राय से भी जवाब मांगा जाता है और उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मतलब अपने ही लोग ना मध्यकाल में कलाकार की प्रतिभा को और उसके टैलेंट को समझ पाए और ना आज भी नहीं समझ पाते, मतलब वो तो मध्ययुगीन विचारधारा थी, हम ये कह सकते हैं उस समय उतना विवेक विकसित नहीं हुआ था। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि तथाकथित जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन्हें हम विवेकशील कहते हैं, जिन्हें हम थिंक टैंक कहते हैं, वो भी आज कला की और प्रतिभा को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने स्वार्थ से उस कला को, उस प्रतिभा को कुंठित कर रहे हैं। बस अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए हानुष जैसी उभरने वाली ना जाने कितनी प्रतिभाओं को और उनकी रिसर्च को, उनकी कला को बेवजह समाप्त कर दिया जाता है। हमने रॉकेटरी मूवी में भी यही देखा कि प्रोफेसर नामी भी ऐसे ही गंदी राजनीति के शिकार हो जाते हैं और वह असहाय होकर देखता रह जाता है। ना केवल डॉक्टर नामी को प्रताड़नाएं और यातनाएं सहनी पड़ती हैं, उनका जो परिवार है उसे भी बहुत अपमानित किया जाता है, और वर्षों की जो उनकी मेहनत होती है उस मेहनत के बावजूद उन पर जासूसी का आरोप लगा दिया जाता है कि उन्होंने जो भारत की रॉकेटरी विज्ञान के जो रहस्य हैं वो पाकिस्तान को बेच दिए, उनके जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने की जो प्रगति है उसमें बाधा उत्पन्न की जाती है। क्यों? कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये जो बने हुए हैं मुड वो अपने उसको खतरे में देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अमेरिका और फ्रांस से वो तकनीकी लेते थे, अब वो उनकी तकनीकी हम लेंगे नहीं क्योंकि हमने स्वदेशी तकनीकी बना ली, तो बस उन्होंने उनको षड्यंत्र का शिकार बना लिया और वो हाथ मलता रह जाता बेचारा। लेकिन वो हानुष की तरह हिम्मत नहीं हारते, डॉक्टर नामी अपने मूवी में देखा है, वो लड़ते हैं, कानून से लड़ते हैं, और ना केवल वो जासूस की जो अपने कानूनी कार्रवाई में अपने आप को मुक्त करवाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, बल्कि इस कलंक को भी धोते हैं कि उन्होंने कभी जासूसी की थी। मतलब उनके जो इमेज, उनका जो मान
हनन किया गया था उसको भी वो वापस प्राप्त करते हैं। और अभी हमने देखा कि उनको पद्म भूषण से विभूषित भी हमारी सरकार ने किया है। हनुष के साथ भी यही होता है। हनुष भी राजसत्ता, समाज सत्ता और धार्मिक सत्ता इन गतिविधियों से बहुत परेशान है। उसकी आंखें निकलवा ली जाती हैं जिससे वो दूसरी घड़ी ना बना सके। लेकिन एक कलाकार के लिए आशावान बने रहना ही उसमें ऊर्जा का संचार करता है। और हनुष तमाम तरीके के अंतर्द्वंद को झेलता हुआ हम देखते हैं कि बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति महसूस करता है जब उसको ये मालूम पड़ता है कि घड़ी का भेद जानने वाला जो उसका शागिर्द है जैकब, वो शहर के बाहर जा चुका है और अब घड़ियां बनना बंद नहीं होगी, उसकी कला जिंदा रहेगी, उसकी जो मेहनत है वो सफल हो गई है, उसी की मौत के साथ वो कला समाप्त नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हनुष नाटक है वो वर्तमान परिस्थिति में पूरी तरीके से प्रासंगिक है। जब इस नाटक को पढ़ते हैं ना तो हर छोटा बड़ा आदमी अपने अंदर कहीं ना कहीं एक हनुष को देखता है, चाहे वो नौकरी वाला व्यक्ति हो और चाहे वो व्यवसाय और बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, कलाकार हो। हम देखते हैं कि आज के भौतिकवादी दुनिया में किस तरीके से प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, किस तरीके से जो व्यक्ति राजगद्दियों पर बैठे हुए हैं, जो धार्मिक सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में सामाजिक शक्तियां हैं, वो कैसे तानाशाह बन जाते हैं, निरंकुश बन जाते हैं और इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, इन कलाकारों को हाशिए पे खड़ा कर देते हैं, संघर्ष के लिए मजबूर कर देते हैं और कई बार तो ये कला पूरी तरीके से समाप्त ही हो जाती है। लेकिन इस नाटक में भीष्म साहनी ने हमको ये बताया है जैकब के बाहर भेजने के माध्यम से कि जो कला है वो अपने, मतलब कला को विकसित करते रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए, अपने शिष्यों में उसको आगे से आगे प्रवाहित करते रहना चाहिए। वो संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कला है, वो जीवित कैसे रहेगी? वो ये तभी तो जीवित रहेगी जब वो धारा प्रवाह के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाती रहे, तो वो हमेशा जिंदा रहेगी। क्योंकि कला केवल कलाकार के लिए नहीं होती, कला पूरे समाज के लिए होती है। यही प्रासंगिकता हमको हनुष नाटक में देखने को मिलती है। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको हनुष नाटक की मूल संवेदना, उसकी प्रासंगिकता और भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय देने की कोशिश की है। आशा है आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट वीडियो और लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं आपको हनुष नाटक का नाटक के तत्वों के आधार पर समीक्षा और दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, हनुष की रंगमंचीयता और हनुष के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डालूँगी। इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।